वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्ते फ्रेंड, मेरे चैनल अम्मास किचन फूड में आपका स्वागत है। मैं आपकी कुक अनीता मिश्रा आज आपके लिए 29 स्टेट की 29 डिशेस का एक नया एपिसोड लेकर आई, जो कि आज छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ का फेमस फरा, जो कि वो आप नाश्ते के रूप में, स्नैक्स के रूप में आराम से बना सकते हो, सबको बहुत पसंद आएगा। आइए इसकी रेसिपी जानते हैं। फ्रेंड्स, ये सामग्री रेडी है मेरी, आइए स्टार्ट करते हैं। 1 कप मैंने राइस फ्लोर ले लिया है, 1/2 कप मैंने पका हुआ चावल ले लिया है, ये मैंने नमक ले लिया है, कुछ धनिया की पत्ती कट कर ली है मैंने, ये 1.5 चम्मच मैंने देसी घी ले लिया है फरे को पकाने के लिए, ये 1/2 टेबल स्पून मैंने मीठा सोडा ले लिया है, 1.5 चम्मच सफ़ेद तिल ले लिया है, 1 चम्मच मैंने राई दाना ले लिया है, 2 हरी मिर्च कट कर ली। ये मैंने बाउल ले लिया है, इसमें मैं पके हुए चावल डालूंगी। चावल सॉफ्ट हैं तो आसानी से हो जाएंगे, इस तरह से मैश कर लूंगी मैं। अगर थोड़े से कड़े हैं तो पानी का यूज़ करना पड़ेगा इसमें। बचे हुए चावल भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये मैंने ताजे बनाए हुए हैं वो यूज़ कर रही हूँ। देखिए आसानी से हो जा रहे हैं ये। अब मैं इसमें राइस फ्लोर डालूंगी, 1 कप जो मैंने लिया था ये ऐड कर दिया है मैंने। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, नमक अपने स्वाद के अनुसार आप डालिएगा। ये बेकिंग सोडा मैं डाल रही हूँ और इन सबको अब मिक्स कर लूँगी मैं, हाथ से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें मैं पानी डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी और उसको गूंदूंगी अच्छे से कि ये सॉफ्ट सा एक डो तैयार हो जाए मेरा। पानी खट्टे मैं नहीं डालूंगी, थोड़ा थोड़ा डालूंगी, बहुत लूज भी नहीं चाहिए, बहुत हार्ड भी नहीं चाहिए, मुझे एक सॉफ्ट रोटी जैसा आटा चाहिए। ये देखिए मेरा आटा तैयार हो गया है, अब इसे मैं 10 मिनट के लिए रख दूंगी। ये आटा मेरा रेडी हो गया है, हाथों को मैंने ऑयल से ग्रीसिंग कर ली है। अब मैं थोड़ा सा आटा लेकर इसको फरे का आकार दूंगी। वहाँ पर फरे लंबे लंबे बनते हैं छत्तीसगढ़ में, उसी तरह से देखिए मैं आकार दे रही हूँ। ये देखिए इस तरह से आप भी दीजिएगा, कितना अच्छा बन गया है। मैं इसी तरह से सारे फरे बना लूँगी। ये पैन मेरा प्री हीट हो गया है, गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है। अब मैं घी ऐड कर रही हूँ इसमें, घी गर्म हो गया। अब राई दाना ऐड कर रही हूँ मैं, राई दाना क्रकल होने लगा है। अब मैं सफ़ेद तिल ऐड करूँगी इसमें, तिल डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है फरे का, बहुत ही अलग सा टेस्ट आता है इसमें। इसे भून लूँगी, अब मैं इसे थोड़ा सा ढक दूँगी क्योंकि क्रकल होगा तेज़ी से, जलने का डर रहता है, इसलिए ढक रही हूँ मैं इसे। 5 सेकेंड ढकूँगी मीडियम फ्लेम पे इसे। ये देखिए तिल मेरा हो गया है। अब हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, इसे थोड़ा भून लूँगी मैं। अब इसमें मैं 1 कप पानी ऐड करूँगी कि सब मसाला भी मिक्स हो जाए मेरा, बॉयल आ जाए। तो उसमें मैं फरे ऐड करूँगी क्योंकि मुझे उसे स्टीम में पकानी है। मेरा पानी भी देखिए बॉयल आने लगा है, मीडियम फ्लेम है मेरे गैस का। अब मैं फरे डालूँगी इसमें, आराम से डालिएगा आप भी। इस तरह से मैं सारे फरे इसमें डाल दूँगी। ये सारे फरे मैंने डाल दिए हैं इसमें, गैस का फ्लेम स्लो कर दिया, उसे ढक्कन लगा दूंगी 5 मिनट के लिए, इसे पकने दूंगी। इसमें होल है ढक्कन में, स्टीम इसी से निकलेगी फ्रेंड्स। ये देखिए 5 मिनट हो गए, अब इसे मैं खोल कर देख रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा कलर भी आ रहा है। उसे धीरे से चलाऊंगी मैं कि टूटे नहीं मेरे फरे। इस तरह आप भी चला लीजिएगा। ये देखिए पकने लगे हैं फरे मेरे, बहुत अच्छा कलर आ रहा है, क्रिस्पी हो रहे हैं धीरे धीरे। फिर 5 मिनट के लिए मैं इसे ढकूंगी और गैस का फ्लेम स्लो ही रखूंगी, फिर मैं इसे देखूंगी 5 मिनट बाद। मैं इसे खोल कर देख रही हूँ, ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, क्रिस्पी भी हो गए हैं थोड़े। अब मैं इसे गैस का फ्लेम बंद करके धनिया से गार्निश करके इसे सर्व करती हूँ। मेरे चावल के फरे बनकर रेडी हो गए हैं, जो छत्तीसगढ़ की फेमस डिश है ये। आप भी बनाइए, ट्राई करिए और घर में सबको खिलाइए, सबको बहुत पसंद आएंगे। अगर इसकी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगली रेसिपी में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।